डालें। एक बीज हमारा लगभग यहाँ पर रेडी हो गया और ये 10 मिनट के आसपास का वक्त हो चुका है। अब हम इस काली हल्दी को निकाल के एक दूसरे बर्तन में रख देंगे और इसी लिक्विड में हम दूसरा जो है ना हल्दी डाल देंगे ताकि वो भी उपचारित होता जाए और ये कंटिन्यूटी रूटीन हमारा यहाँ पर सब चलता रहेगा। बीज उपचार होते रहेंगे, ड्राई होते रहेंगे और फील्ड पर लगते भी रहेंगे। अब इसमें और हम दूसरे सीड डाल देंगे, हाँ फायदे भी होते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से लगाना। तो ये हमारा 4 फीट का बेड है और 4 फीट के बेड में हमें सबसे पहला कंद जो है ये हमारा बेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम एल एंगल की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके यहाँ ख़त्म हो रहा है या यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी 4 उंगलियाँ हैं, 4 उंगली को मिला के या 5 उंगली को मिला के लगभग 3 इंच के आसपास का डिस्टेंस होता है। तो इन 5 उंगलियों को आपस में आप मिला दीजिए, 3 इंच का डिस्टेंस मतलब 5 उंगलियों को यहाँ पे आपको रखना है जहाँ से आपका बेड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपका बेड स्टार्ट हो रहा है मतलब 3 इंच यहाँ पे हुआ, तो यहाँ आपका पहला सूट लगेगा। पर यहाँ भी अभी स्पेस है तो बेड यहाँ से भी शुरू हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। इसका मतलब ये है कि जब हमारा बेड यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से हम 3 इंच इस तरफ ले लेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहला सूट लगेगा। तो लगाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको ज़मीन के अंदर सबसे पहले नंबर हम कंद वाली फसल को लगाते हैं। तो कंद वाली फसल मतलब ग्राउंड फ्लोर को सबसे पहले अलॉटमेंट देते हैं, फिर हम देते हैं सेकंड फ्लोर को लता वाली फसल के रूप में, फिर देते हैं हम सेकंड फ्लोर के रूप में पत्ती वाली सब्जी के रूप में फर्स्ट फ्लोर पर, और फिर उसके बाद हम लगाते हैं टॉप फ्लोर को। तो लगाने का जो सिक्वेंस है, पहले कंद वाली फसल ग्राउंड फ्लोर पर, सेकंड लगेगी हमारी सेकंड फ्लोर की क्रॉप लता वाली, फिर लगेगी हमारे थर्ड नंबर पर फर्स्ट फ्लोर की पत्ती वाली, और फिर लगेगी हमारी फोर्थ नंबर पर टॉप फ्लोर की हमारी फ्रूट वाली। तो इस तरह से ये फसलें लगेंगी। और लगाने का तरीका ये है कि आप ये उपचारित किए हुए बीज को यहाँ पर पहला सूट रखेंगे और फिर इसके बाद 6-6 इंच के अंतर से इस पूरे बेड पर आपको बीजों की सेटिंग करनी है। तो इनको 2 इंच के नीचे डालना है सबसे पहले नंबर और फिर मिट्टी से इनको ढक दें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 6 इंच हमने ये ले लिया तो लगभग यहाँ से हमें 3 इंच और यहाँ से 6 इंच दूसरा हमारा सूट इधर लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर 6 इंच और यहाँ से हमारा 3 इंच तो तीसरा सूट हमारा ये लगेगा, फिर यहाँ से हमारा 6 इंच और यहाँ से 3 इंच चौथा सूट हमारा यहाँ लगेगा, और फिर इसके बाद हमारा ये 6 इंच और यहाँ से 3 इंच। तो लगभग जो है ना उधर से भी 3 इंच के आसपास हो गया हमारा और इधर से भी 3 इंच हो गया। ये 6-6 इंच के अंतर से एक बेड 4 फीट की चौड़ाई पे हमारी 5 लाइन आ गए। अब मोटा मोटी आप ये तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हर बार आप जो है ना ये 3 इंच नापें और यहाँ से 6 इंच नापें, तो अंगला फिर यहाँ पे रखा जाएगा, फिर यहाँ से अंगला यहाँ रखा जाएगा और इसका अंगला ये इधर रखा जाएगा। सो हर एक को 6-6 इंच का डिस्टेंस आपको देना है। यहाँ से ये हमने 6 रख दिया और यहाँ से ये हमने 6 रख दिया, तो 6-6 इंच के अंतर से यहाँ से ये 6 और यहाँ से ये 6 इधर आएगा और ये इधर आएगा। इस तरह से 6-6 इंच के अंतर से चारों तरफ आपको अपना डिस्टेंस बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि हर बार आप अपना बेता खोलिए और 3-4-5 उंगलियों को जोड़ लीजिए, और या तो तरीका ये है कि आप जो बेड का सेंटर है उस सेंटर के बेड पर एक अंदाज से आप जो है ना ये रख दीजिए, आपको ये अंदाज आ गया कि जी ये इतना ही होगा, और फिर सेंटर पे एक रखने के बाद एक 2 लेफ्ट में रख दीजिए और 2 राइट में रख दीजिए। एकदम नपातुला हिसाब ना भी होगा तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एक्यूरेट 6 ही पे आना चाहिए, 5.5 भी आ जाए, 6.5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 4.25 ये सब भी चलेगा, पर मोटा मोटा एक अंदाज होना चाहिए। तो आप एक सेंटर में एक लाइन रख दीजिए और लेफ्ट राइट 2-2 लाइन और रख दीजिए, तो एक बेड पर ऐसी 5 लाइन फटाफट हम रखते हुए जाएंगे। तो अब तरीका ये है, वो एक टब उठाइए, तरीका ये है कि दूसरी इसको बोरी में निकाल दो, बोरी पे निकाल के ऐसे लिटा दो। तरीका ये है कि हम कुछ बीजों को ऐसे ले लेंगे और ये जो है ना उस तरफ 2 लाइन एक भाई लगाएगा और यहाँ से 3 लाइन हम लगाते जाएंगे। तो इसको यहाँ से 6 इंच ये रख दिया, यहाँ से 6 इंच ये रख दिया, यहाँ से 6 इंच ये रख दिया, है ना। इस तरह से हम ये लगाते जाएंगे। अब देखिए, अब हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी
अंदाज से भी रख सकते हैं और फटाफट ये काम जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक है, रखिए आप, है ना, ये रख दिया, ये रख दिया, हाँ, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ऐसे। तो मतलब जो है ना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है ना अपना नापतोल ही करें, लेकिन हाँ बार बार आपको अपने आप को चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो जब आप बार बार अपने आप को चेक करते जाएंगे तो परफेक्शन में काम होता जाएगा। तो तरीका ये है कि आप सारे और आगे दबा दे जो बीज हैं, अभी नहीं दबाना है, अभी उनका चूना सूखने दीजिए, अभी नहीं दबाएंगे हम। तो तरीका ये है कि आप पहले जो है ना सभी बीजों को टॉप पे ऐसा रख लीजिए, एक एक करके सबको रख लीजिए, और रखने के बाद फिर आप इनको जमीन के अंदर 2 इंच की गहराई का डाल दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर उपचार की प्रोसेस लगातार चालू है, और यहाँ पर बीजों को रखने की भी प्रोसेस चालू है, और यहाँ पर देखो सभी भाई जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक बार में ये बात समझ में आ गई है, पूरा गणित आ गया समझ में। और एक जो अक्सर गलती हम लोग कर जाते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हर बार जो है ना हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग अपने अनुभव के साथ में करते हैं बिना अनुभव के साथ में, तो उसमें क्या होता है कि कंद को सीधा डायरेक्ट ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। अब कंद को जब ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि उसका क्या डिस्टेंस था, और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हर बार हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें एक गलत रखा है। और अगर आपने ये कंद ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही पुट अप कर दिया ऐसे फॉर एग्जांपल, अब हमें इससे 6 इंच का डिस्टेंस मिलाना है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अभी तो हमने हमारी नज़र है यहाँ पे कि हमने इसको यहाँ लगाया है, लेकिन जब हम बीज उठाने के लिए नज़र इस तरफ करेंगे और फिर वापस इधर करेंगे तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो बीज हमने इधर लगाया या इधर लगाया या इधर लगाया या इधर लगाया, फिर हम यहाँ से रेफरेंस 6 इंच बनाएंगे यहाँ से, तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो और काम पूरा परफेक्ट हो, सही हो, उसके लिए बीजों को पहले 6-6 इंच के डिस्टेंस पे आप पूरे फार्म में रख लीजिए, सभी तरह की कंद वाली फसल ग्राउंड फ्लोर की। फिर इसके बाद हम पीछे से 2 लोग बैठेंगे, एक ये लाइन में एक वो लाइन में, और फटाफट इसको हम तोड़ेंगे। तो हमारी कंद वाली फसल का